नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। अभी भाकपा माले का महाधिवेशन होना है जो कि 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होना है। ऐसे में उससे पहले भाकपा माले गांधी मैदान पटना में रैली करते हुए नजर आ रही है, जहां भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट खड़ी नजर आएंगी। और साथ ही 18 फरवरी को उन्होंने बताया है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे हेमंत सोरेन हो गए और भी जो लोग हैं, सलमान खुर्शीद हो गए, वो लोग एक मंच पर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, देखिए इस रिपोर्ट में। तो पिछला महाधिवेशन हमारा पंजाब में था 2018 के मार्च में, इस बार हम पटना में कर रहे हैं और इस महाधिवेशन के ही पहले पूर्व संध्या पर आज ये विशाल रैली है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। महाधिवेशन के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि वामपंथी एकता को मजबूत करने के लिए हमने सभी दलों को हमने इनवाइट किया है और जो उद्घाटन सत्र होगा कल उसमें लोग आएंगे। 17 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता उसका एक सत्र होगा जिसमें दुनिया भर में इस समय चल रहे आंदोलनों के कुछ प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे और 18 तारीख को देश में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए मजबूत विपक्षी एकता के निर्माण हेतु एक बड़ा कन्वेंशन है जिसमें नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, सलमान खुर्शीद साहब और तिरुमा वल्वन हमारी पार्टी के नेताओं के अलावा इन नेताओं को भी आना है और हमें लगता है कि इससे एक मजबूत संदेश जाएगा और जो पार्टी महाधिवेशन है उसमें अपने संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ देश में इस समय जो पूरी दुनिया में जो जलवायु का संकट गहराता जा रहा है, पर्यावरण का संकट गहरा रहा है, उस पर भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सवाल, रोजगार के सवाल, किसानों मजदूरों के सवाल, ये सारे सवाल तो रहेंगे ही, लेकिन इन सवालों के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु का सवाल भी इस बार प्रमुखता के साथ हमारे महाधिवेशन में चर्चित होगा। 25 तारीख को जो रैली होने वाली है पूर्णिया में उसको लेकर भी वो हमें लगता है कि एक श्रृंखला चलेगी, हमें लगता है कि रैलियों की एक श्रृंखला इस साल तय है और यहाँ यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज 24 के लिए विपक्षी एकता को लेकर विपक्षी एकता तेज होगी और हमें लगता है कि 2023 विपक्षी एकता को मजबूत बनाने का, आंदोलनों को तेज करने का साल। कोई एक चेहरा नीतीश कुमार एक चेहरा, कोई हमें लगता है कि अभी इस समय चेहरे पर बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं और बहुत नेताओं का होना ये मुझे लगता है कि अपोजिशन की मजबूती है, ये कमजोरी नहीं है। एक चेहरे की बात करना भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही है और एक तरह से कमजोरी है और हमें लगता है कि विपक्ष के पास बहुत सारे दल, बहुत सारे नेताओं का होना ये भारत की खूबसूरती है और विपक्ष की ताकत।